आज का लेक्चर है फोटोशॉप, ठीक है। पहले इलस्ट्रेटर दिया, आज आएंगे फोटोशॉप पे। इस पर जाने से पहले मैं बताऊँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में, ठीक है। फोटोशॉप जो है पिक्सल बेस्ड, इसमें पिक्सल्स होते हैं, इलस्ट्रेटर में वेक्टर फाइल होती है। वेक्टर फाइल होती है और वेक्टर, उसमें पिक्सल का कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, जो इलस्ट्रेटर है उस पर हम करते हैं प्रॉपर डिजाइनिंग, ठीक है। जो फोटोशॉप पे ऐसी डिजाइनिंग होती है जो इलस्ट्रेटर पे कर सकते हैं हम। और जो एडिटिंग होती है, एडिटिंग होती है फोटोशॉप पे, ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा, इनमें ना दो कलर स्कीम होती है, एक होती है RGB, एक होती है CMYK। जो RGB होती है ना, अगर आपने जैसे पोस्ट करनी है, ठीक है, या आपने स्टेटस लगाना है, या आपने सोशल मीडिया पे अपनी प्रमोशन करनी है, तो आप जो अपनी बनाओगे डिजाइनिंग उसको आप करोगे सिर्फ RGB में। जब आप फोटोशॉप पर बनाते हो ना अपना आर्ट बोर्ड बनाते हो, ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन आ जाती है RGB या CMYK। तो अगर आपने सॉफ्ट कॉपी आनी है, आपने एक पोस्ट लगानी है, या फिर आपने स्टेटस लगाना है, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, सिर्फ उसको प्रिंट नहीं करवाना, तो आपके लिए जरूर RGB, ठीक है। RGB होता है रेड ग्रीन ब्लू, ये ऐसे कलर है जो इनको मिक्सिंग करके दुनिया का हर कलर बन जाता है, इन तीन कलर से RGB, ठीक है। और CMYK होता है, CMYK होता है कि आपने जैसे प्रिंट निकलवाना है, ठीक है, प्रिंटिंग के लिए आपने यूज करना है कार्ड, अपने बिजनेस कार्ड को प्रिंट करवाना है, तो आप उसको शुरू में जब आर्ट बनाओगे तो आपको उसको कन्वर्ट होगा CMYK में। अब इससे क्या फायदा है, इससे फायदा RGB जो होता है इसमें कलर बहुत डार्क होते हैं, सोशल मीडिया के लिए आपके जो कलर्स होते हैं काफ़ी डार्क होते हैं, मतलब बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। ऐसे CMYK में क्या होता है कि CMYK में वो इतने डार्क कलर नहीं करता, वो प्रिंटिंग के हिसाब से करता है, ताकि जब कोई चीज़ प्रिंट हो तो वो कलर्स जो होते हैं वो साइड पे फैले ना, ठीक हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद जब आप लोग कार्ड बनाओगे बिजनेस कार्ड, ठीक है, आप लोगों को कोई बंदा बाहर से ऑर्डर देगा या कोई आपको सोशल मीडिया ऑर्डर देगा, तो वो कभी आपको बिजनेस कार्ड का साइज़ नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि इसका साइज एक ही साइज है, उसके अलावा इसका कोई और साइज नहीं होता बिजनेस कार्ड का। वो कौन सा होता है 3.5 बाई 2, ठीक है। अब ये 3.5 है शुरू में, इसको कहते हैं बिल्ड, और ये जो 2 है एंड में इसमें है 5। फर्स्ट वाली जो होती है वो होती है बिल्ड, सेकंड वाली हाइट होती है। ओके सर, ठीक हो गया। ये जब आप प्रिंट करोगे इसको आपने करना है इंचेस में, 3.5 बाई 2 इन इंचेस, ठीक है। सेट ऑप्शन आ जाती है, इंचेस है, पिक्सल है, कौन सा आपने इंचेस क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपके कार्डबोर्ड रेडी हो जाएगा, फिर आपको जो भी डिजाइनिंग आपने करनी है या कोई भी आपको जैसे डिजाइनिंग लगती है तो आप उस डिजाइनिंग के हिसाब से अपना कार्ड क्रिएट कर लेंगे जैसे। और उसके अलावा आपको डिटेल जो सारी होंगी बिजनेस कार्ड की, वो आपको जो आपका बायर होगा वही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपको जो डिटेल्स देनी है, कलर स्कीम वगैरह सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल कलर स्कीम नहीं बताता, तो आप कलर स्कीम कैसे देखोगे, वो ऐसे देखोगे कि एक तो बंदा उनको कन्वर्सेशन करनी आनी चाहिए हमें, ठीक है। कन्वर्सेशन के हिसाब से आप कलर उसके स्कीम चेक कर सकते हो सेम के हिसाब से, ठीक है। अदरवाइज जो उसका एक लोगो आपको देगा अपनी कंपनी का, उस लोगो के हिसाब से कलर स्कीम उनको प्रोवाइड करोगे, ठीक हो गया। सर, अगर हमने कोई प्रोफाइल लगानी हो तो उसके लिए फिर क्या आर्ट बोर्ड लेंगे? प्रोफाइल कौन सी, फेसबुक है? फेसबुक पे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम 180 बाय 180 पिक्सल्स। अगर आपने प्रोफाइल लगानी है तो 180 बाय 180 पिक्सल्स। ओके ओके क्लियर है? ओके सर, ठीक हो गया।